students, welcome to Convent English High School. In a previous lecture, we studied about electric current, resistivity, resistance, conductance, conductivity, and current density. Okay? In this lecture, we studied about temperature dependence of resistivity and power. Okay? So, start with temperature dependence of resistivity. हमने रेजिस्टिविटी क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, वो सब चीज़ें देख ली थी. लेकिन अब हमें देखना है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंस रहती है. तो हाउ, क्वेश्चन इज हाउ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, राइट एम्पिरिकल फार्मूला. और उसका हमें क्या करना है, फार्मूला भी लिखना है, वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड रहती है और उसका फार्मूला लिखना है. सो स्टार्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहती है. कैसे, डिफरेंट मटेरियल हैव अ डिफरेंट डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर. अलग अलग मटेरियल के टेम्परेचर कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. ठीक है, जैसे हमारे में ले लो, हम लोगों की बात करें तो कोई लोग होता है वो शॉर्ट टेम्पर होता है, वो जल्दी से गुस्सा होता है लेकिन फिर बाद में फटाफट से ठीक भी हो जाता है. लेकिन कोई होता है जो लॉन्ग एंगर वाला होता है, जिसका गुस्सा ज़्यादा टाइम तक रहता है, कोई जल्दी से गुस्सा हो जाता है, कोई थोड़ी देर से गुस्सा होता है. तो सबका अलग अलग टेम्परेचर है कि नहीं, बस उसी तरह से मटेरियल का भी कुछ इस तरह से है कि अलग अलग मटेरियल का टेम्परेचर अलग अलग होते हैं. रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन अ टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो देखो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन साथ ही समझना है, मेटल की जो रेजिस्टिविटी है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है. ठीक है, लेकिन कंडक्टर का अगर आप डिक्रीज करोगे, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन अ टेम्परेचर, मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है. लेकिन अगर कंडक्टर का टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, कंडक्टर और मेटल दोनों का ही आपको टेम्परेचर इंक्रीज ही करना है. लेकिन मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी. लेकिन अगर कंडक्टर का टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ओके, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटालिक कंडक्टर इज रिटन एज, तो मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है उसे हम लिख सकते हैं रो टी इज इक्वल टू रो जीरो ब्रैकेट वन प्लस, ये जो क्या है उसे बोलेंगे अल्फा, वन प्लस अल्फा ब्रैकेट टी माइनस टी जीरो ब्रैकेट कंप्लीट एंड बिग ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, तो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर आपको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर टी माइनस टी जीरो लिखना है. यहाँ पे रो टी यानी कि टेम्परेचर है, पहले वाला टेम्परेचर, और ये रो जीरो यानी कि बाद वाला टेम्परेचर. यहाँ पे देख लो, ये नीचे लिखा हुआ है रो यानी किसका सिंबल है, याद आया, रेजिस्टिविटी का. हाँ, रो टी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी टेम्परेचर टी, टी टेम्परेचर के वहाँ पे फाइनल जो आपका टेम्परेचर होगा ना उसकी रेजिस्टिविटी होगा रो इंटू टी. ठीक है, और रेजिस्टिविटी ऑफ द रेफरेंस टेम्परेचर टी जीरो, और जो आपका स्टार्टिंग का टेम्परेचर होगा ना उसे हम बोलेंगे रो जीरो. अगर आपको याद आया हो तो फाइनल वेलोसिटी होती तो हम उससे वी से डिनोटेट करते, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो हम उसे वी जीरो से इंडिकेट करते. ठीक है कि नहीं, बस उसी तरह से ये फाइनल है, फाइनल टेम्परेचर हो तो रो टी और अगर इनिशियल हो तो रो जीरो. ओके, अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ये खास ध्यान रखना है, अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ अल्फा इज सेल्सियस डिग्री इनवर्स और केल्विन इनवर्स. तो ये जो अल्फा है उसका असाइनमेंट क्या होगा, सेल्सियस डिग्री इनवर्स या तो फिर केल्विन इनवर्स. तो जब आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू दी जाए तो आपको यूनिट वैसे पता चलना है कि ये किसके वैल्यू दी है, मुझे अल्फा की वैल्यू दी है कि नहीं. फिर फॉर मेटल्स वैल्यू ऑफ द अल्फा इज नेगेटिव एंड फॉर सेमीकंडक्टर अल्फा इज अ पॉजिटिव. तो ये आपको याद रखना है, शायद कहीं कहीं एमसीक्यू में काम आ जाए. तो मेटल्स वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव एंड फॉर सेमीकंडक्टर अल्फा इज अ पॉजिटिव. तो हमें न्यूमेरिकल जब सॉल्व करने के आएंगे तब हमें ये वाला फॉर्मूला खास पता होना चाहिए, रो इंटू टी इज इक्वल टू रो जीरो वन प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो. ये जो रो जीरो है वो इनिशियल टेम्परेचर है, ये जो है फाइनल टेम्परेचर. उसी तरह से ये जो है वो क्या हो जाएगा, पहला वाला टेम्परेचर होगा और ये क्या हो जाएगा, फाइनल वाला टेम्परेचर होगा. ठीक है कि नहीं, ये फर्स्ट जो टेम्परेचर होगा इनिशियल टेम्परेचर होगा उसकी रेजिस्टिविटी, ये फाइनल टेम्परेचर होगा उसकी रेजिस्टिविटी. ओके, चलो तो हम आगे न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपको ज़्यादा ख्याल आएगा कि फॉर्मूला का यूज़ करके हम कैसे आगे आंसर ला सकते हैं. ठीक है,
Example 3.3, an electric toaster uses nichrome for its heating element when a negligible small current passes through it. Electric toaster है, उसके वहाँ पे आपको small current बताया हुआ है कि उसमें से small current pass हो रहा है. Its resistance at room temperature is 27 degree Celsius. Is found to be 75.3 ohm. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जब रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तब वहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, 75.3 ओम. When toaster is connected to a 230 volt supply, the electric current settles after a few seconds to steady value of 2.68 ampere. अगेन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, थोड़ा सा स्मॉल करंट पास हो रहा था, तब आपका टेम्परेचर कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस था, और आपको तब मिल रहा था रेजिस्टेंस 75.3 ओम. अब क्या करना है, अब टोस्टर को हमने 230 वोल्ट सप्लाई है उससे कनेक्ट किया है, तो आपको अब करंट कुछ इतना मिल रहा है 2.68 एम्पियर. ठीक है, वॉट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द निक्रोम एलिमेंट, तो आपको निक्रोम एलिमेंट का स्टेडी टेम्परेचर फाइंड करना है. ठीक है, चलो तो जो क्वेश्चन फाइंड करना है वो तो हमें पता चल गया कि मुझे एक टेम्परेचर, स्टेडी टेम्परेचर फाइंड करना है. आगे और भी कुछ दिया है, तो टेम्परेचर कोफिशियंट यानी कि अल्फा, लाइट हुआ कि नहीं, टेम्परेचर कोफिशियंट, हाँ, अल्फा ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ निक्रोम एवरेज्ड ओवर टेम्परेचर रेंज इन वोल्ट 1.70 मल्टीप्लाई 10^-4 सेल्सियस डिग्री इनवर्स. ठीक है, तो ये यूनिट देख के भी आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू है. तो पहले हम क्या फाइंड करना है, मुझे स्टेडी टेम्परेचर फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए मेरे पास में क्या क्या चीज़ें हैं पहले वो मैं लिख दूँ. चलो तो रूम टेम्परेचर पे T1 है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, तब हमें R1 मिलता है 75.3 ओम. फिर हम उसे 230 वोल्ट से कनेक्टेड करते थे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट कुछ 2.68 एम्पियर जितना मिल रहा था. और T2 यानी कि स्टेडी टेम्परेचर, फाइनल वाला टेम्परेचर मुझे फाइंड करना है. ठीक है, तो हम अगर हमने आगे देखा था तो रेजिस्टिविटी था रो टी इज इक्वल टू रो जीरो वन प्लस अल्फा T-T0 था कि नहीं, तो वहाँ पे रेजिस्टिविटी थी, पर यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिया है तो हम रेजिस्टेंस ले लेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे R2 इज इक्वल टू R1 वन प्लस अल्फा T2-T1, पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, यानी कि इनिशियल वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे, फाइनल वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे, कुछ इस तरह से इनिशियल वाला टेम्परेचर यहाँ पे, फाइनल वाला टेम्परेचर यहाँ पे. आगे भी मैंने आपको बताया था, ये आपको इसी तरह से याद रखना होगा तो ही काम होगा. ठीक है, चलो अब आपके पास में R1 की वैल्यू है, हाँ है, 1 की है, 1 तो 1 ही, अल्फा की वैल्यू भी है, T2 आपको फाइंड करना है, T1 की वैल्यू है, पर क्या R2 की वैल्यू है, नहीं. तो देखो कुछ यहाँ पे V और I दिया हुआ है, तो ऐसे तो वो लोग कुछ चीज़ देने वाले नहीं है. ठीक है, तो ये V और I का यूज़ करेंगे हम R की जगह पे, तो यहाँ पे आना है, जैसे कि हमको पता है V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, तो अगर R को मेन बनाए तो ये I है वो V के डिवाइड में चला जाएगा, तो R इज इक्वल टू V बाय I. तो यहाँ पे R2 की जगह पे हमने लिखना है V बाय I, बाकी एज इट इज़. ओके, चलो वैल्यू डालो, V की वैल्यू कितनी है 230, I की कितनी है 2.68, R1 75.3, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हमें दी है, T2 फाइंड करना है -27. बस इतने तक आपको पता चल गया कैसे क्या आना है. अब सिर्फ खेल ही है, पर खेल कैसा है, ध्यान देने वाला, ध्यान नहीं दोगे तो आपका मैथमेटिकल रॉन्ग होगा, ताकि जिससे आंसर भी रॉन्ग आएगा. अब यहाँ पे देखो, इन दोनों का डिवाइड मैंने किया, इन दोनों का डिवाइड मुझे मिला 85.80, फिर ये जो 75.3 इसके मल्टीप्लाई में इक्वल टू किससे रहेगा, तो क्या होगा डिवाइड, तो ये मैंने लिख दिया डिवाइड में 75.3, और बाकी ये जो राइट हैंड साइड पे वो सब सेम एज इट इज़ लिखा है. ये अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों का डिवाइड मुझे कुछ इतना मिल रहा है 1.1397. अब ये जो प्लस वन है इक्वल टू किससे आएगा, तो कैसा हो जाएगा -1, तो ये लिखा -1, और ये बाकी का एज इट इज़. ओके, अब 1.1397 में से 1 माइनस करेंगे तो मुझे कुछ 0.1397 मिलेगा. ओके, अब ये क्या है, इसके साथ में मल्टीप्लाई में है कि नहीं, ये पूरी वैल्यू इन लोगों के साथ में मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये डिवाइड में हो गया. बच्चा क्या है यहाँ पे, T2-27. अब ये जो 10^-4 ऊपर आएगा तो कैसा हो जाएगा +4, यानी कि 10^+4. फिर आप ये नंबर के डिवाइड में ये नंबर करोगे, उसका जो आंसर आएगा उससे 10^4 यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई करोगे, देन आपको फाइनली कुछ इतना आंसर मिलेगा.
ओके और ये एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पे -27 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस करेंगे तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा T2 इज इक्वल टू 848.76 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका है स्टेडी टेम्परेचर। तो कुछ करना नहीं था मुझे, पहली बात जो चीज़ दी है मैंने वो लिख दी, सब वैल्यू लिख दिया ठीक है। फिर हमने क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया, वहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टिविटी है, यहाँ रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिविटी की जगह पे रेजिस्टेंस लगा दिया। अब पता चल रहा है कि आर टू तो है ही नहीं, टी टू तो फाइन करना ही करना है, आर टू भी नहीं है, दो दो चीज़ फाइन करने की एक ही फॉर्मूला तो नहीं हो सकती। तो आर की जगह पे हम लगा सकते हैं वी बाय आई, क्योंकि यहाँ पे वी और आई की वैल्यू दी है, वैल्यू लगाई। फिर स्टेप बाय स्टेप सबका हमें क्या करना है, इक्वल टू की इस साइड लेके आना है, टी टू के अलावा सब इधर लेके आना है, इन दोनों का डिवाइड किया उसका आंसर है, फिर इसको ये मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड किया, तो कुछ इस तरह से मिलेगा। इन दोनों का डिवाइड मुझे इधर इतना मिला, यहाँ पे प्लस वन है, यहाँ आया तो माइनस वन हो गया। फिर इनका माइनस वन मुझे कुछ इतना पॉइंट मिलेगा 0.1397, फिर ये मल्टीप्लाई में ये इक्वल टू की साइड आएगा तो डिवाइड में, इसका आंसर मुझे इतना कुछ मिला। -27 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देन फाइनल आंसर मुझे ये मिला ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्मूला का यूज़ करके जो भी हमें पूछा हो, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, तो हम उसे डिराइव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं ओके। कुछ उसी तरह का सम है लेकिन थोड़ा चेंज है, उसे हम देखेंगे एग्जाम्पल 3.4। द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटेनियम वायर ऑफ ए प्लेटेनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम। आइस पॉइंट, केमिस्ट्री आपका अगर अच्छा हो तो आपको पता चलेगा आइस पॉइंट यानी जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो ठीक है। तो क्या कहा है, प्लेटेनियम वायर ऑफ अ प्लेटेनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोमीटर है जो कि आइस पॉइंट में कितना टेम्परेचर दिखा रहा है, 5 ओम जितना टेम्परेचर दिखा रहा है, एंड एट अ स्टीम पॉइंट इज अ 5.23 ओम। और स्टीम पॉइंट यानी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो, तो जब टेम्परेचर स्टीम पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस हो तब रेजिस्टेंस मुझे मिल रहा है 5.23 ओम। अब वेन द थर्मोमीटर इज इंसर्ट इन ए हॉट बाथ, अगर आप थर्मोमीटर को हॉट बाथ में डाल रहे हो तो रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनियम वायर इज 5.795 ओम। तो अगर आप थर्मोमीटर को हॉट बाथ में डाल रहे हो तो आपको रेजिस्टेंस कुछ इतना मिल रहा है, देन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, तो आपको बाथ का टेम्परेचर मेजर करना है। तो आपको पता चल रहा है आपके पास में 3-3 R की वैल्यू है, ये R1, R2, R3 या तो R0, R1, R2 जो आपको बोलना हो, तो 3-3 आपके पास में R है और 2 टेम्परेचर आपको पता है, आइस पॉइंट यानी कि 0, स्टीम पॉइंट यानी कि 100 और एक फाइनल वाला टेम्परेचर आपको फाइंड करना है। तो अब तक आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि अरे यार मैम आपने तो बोला था यहाँ पे 2 टेम्परेचर है, 2 रेजिस्टेंस है तो 2 रेजिस्टिविटी होगी। तो कोई बात नहीं, आगे देखो थोड़ा कैसे क्या सॉल्यूशन आता है। हियर T0 मीन्स आइस पॉइंट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, देन R0 इज इक्वल टू 5 ओम। T1 मीन्स स्टीम पॉइंट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, देन R1 इज इक्वल टू 5.23 ओम। हमको जो दिया है ना वही हम लिख रहे हैं, आइस पॉइंट है उसको हमने T0 लिया है, तब आइस पॉइंट का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तब हमें R कुछ 5 ओम मिल रहा है। T1 यानी कि स्टीम पॉइंट लेना है, स्टीम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तब हमें R1 कुछ इतना मिल रहा है। देन हमने वो जो प्लेटेनियम वायर है उसके हिसाब से हमने थर्मोमीटर को हमने डाला है बाथ के अंदर, तो बाथ के अंदर डाल रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस मुझे मिल रहा है 5.795 ओम। तो उस टाइम पे मुझे टेम्परेचर यानी कि T2 फाइंड करना है। तो ये थोड़ा वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखना है कैसे है। R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T0 ओके। तो अब यहाँ पे R0 यानी इनिशियल, R0 यानी क्या है, आइस पॉइंट, R1 यानी कि क्या है, स्टीम पॉइंट। बस चलो वैल्यू लगाओ, R1 है कितना 5.23, R0 5 1 प्लस अल्फा, T1 कितना है 100, ये दिखा T1 100 माइनस 0। अब क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई में 5 है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये जो 5 है मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड, बाकी सब एज इट इज़, 100 माइनस 0 तो 100, तो 1 प्लस अल्फा इंटू 100 ओके। डिवाइड करोगे तो आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा 1.046 बराबर, इतना ये इसका डिवाइड का आंसर मिल रहा है। अब ये जो अल्फा 1 प्लस अल्फा है तो 1 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100। अब 1.046 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.046 100 इंटू अल्फा। अब इससे आगे कुछ अभी हो नहीं सकता, तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये था आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट की बात, उसी तरह से हमें आइस पॉइंट और हॉट बाथ की बात करनी है, हॉट बाथ
ठीक है, तो हम लिखेंगे आर टू इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी जीरो। अब क्या करना है, आर टू की वैल्यू लगाओ, आर टू की वैल्यू कितनी है 5.795, आर जीरो की वैल्यू 5, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी टू हमें फाइंड करना है और टी जीरो है 0, ठीक है। अब सबकी वैल्यू लगा दी, अब ये जो 5 यहाँ पे डिवाइड में है इक्वल टू किससे आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है इक्वल टू किससे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सब एज इट इज, ठीक है। अब इसका डिवाइड करेंगे तो मुझे कुछ इतना 1.159 जितना आंसर मिलेगा। 1 यहाँ पे प्लस में है, 1 यहाँ पे प्लस में इक्वल टू किससे आएगा तो माइनस, तो इसके माइनस 1 इन इज इक्वल टू अल्फा इन टू टी टू, ठीक है। अब 1.159 माइनस 1 करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.159 इक्वल टू अल्फा इन टू टी टू। अब जिस तरह से इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है, इसे इक्वेशन नंबर 2 देना है। अब दोनों को आप क्या करोगे, रेशियो लोगे, ठीक है। तो 0.046 डिवाइडेड बाय 0.159 ये लिखा इक्वल टू 100 अल्फा अपॉन अल्फा इन टू टी टू। अल्फा अल्फा कैंसल, वैसे भी अल्फा हमें दिया नहीं है ना, अल्फा का हमें कोई काम है, हमें तो चाहिए टी टू, ठीक है। चलो तो अगर हमें टी टू चाहिए तो पहले इसका तो क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो इसका डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा अपॉन इज इक्वल टू 100 अपॉन टी टू। अब मुझे फाइंड करना है टी टू जाएगा ऊपर और ये वैल्यू आएगी नीचे, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा टी टू इज इक्वल टू, हमें कुछ इस तरह से मिलेगा टी टू इज इक्वल टू 100 अपॉन 0.2893। आप कैसे से डिवाइड करोगे, आपको आंसर मिलेगा 345.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका हॉट बाथ का टेम्परेचर है, ठीक है। तो याद आपको ये रखना है, आपके पास में तीन टेम्परेचर की बात है, दो दिए हुए और एक फाइंड करना है, और तीन रेजिस्टेंस दिए हुए। तो आपको पहले करना है पहले दो की बात और उसके बाद में करना है दूसरे दो की बात। अब यहाँ पे हमने लिया है स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट, और यहाँ पे हमने लिया है आइस पॉइंट और हॉट बाथ। तो थोड़ा ध्यान लगाना, थोड़ा लॉजिक लगाना कि मैम ने आइस पॉइंट ही क्यों दो बार लिया, क्योंकि आइस पॉइंट का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है। देखो डायरेक्ट यहाँ पे 100 माइनस 0 100 तो हो गया, T2 माइनस 0 तो T2, तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन ईजी होती है। तो आपको भी कुछ इस तरह से सोच के ही लर्न करके करना है, ओके। और ये सब लर्न करके समझ के फिर अपने आप खुद से आपको नोटबुक में लिखना भी है, ओके। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, जिसमें आपको पावर पे फोकस करना है। कभी कभी पावर पूछा जाता है, लेकिन पावर को डिराइव करने के लिए हमें एनर्जी भी देखना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स ए एंड बी आर एंड पॉइंट ऑफ कंडक्टर एज शोन इन द फिगर। तो फिगर दिख रहा है, ये कोई कंडक्टर है, उसके एंड पॉइंट है ए और बी। लेट अ करंट आई फ्लो थ्रू धैम, पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी आर वी ऑफ ए एंड वी ऑफ बी रिस्पेक्टिवली। तो ये हम सबको पता है, यहाँ पे ए है तो इसका पोटेंशियल होगा वी ऑफ ए, यहाँ पे बी है तो इसका पोटेंशियल होगा वी ऑफ बी, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी इज वी इज इक्वल टू वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी। तो यहाँ पे कंडीशन दिया है वी इज ग्रेटर देन 0, डिफरेंस यानी हमें पता ही है माइनस करना होता है, ठीक है। तो ए और बी का डिफरेंस कितना होगा, वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट ए इज यू वन इज इक्वल टू वी ऑफ ए इंटू डेल्टा क्यू। ए की बात हो रही है तो वी ऑफ ए लेंगे, बी की बात होगी तो वी ऑफ बी लेंगे। अब भाई ये यू पे से डायरेक्ट मैम अपने ये कहाँ से लेके आ गए, तो यहाँ देखो वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने आगे पढ़ा हुआ है सेकंड नंबर चैप्टर में वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है वी इंटू क्यू। देखो मैंने यहाँ पे ये यू है ना कवर कर दिया, ठीक है, आपको अभी कन्फ्यूजन ना हो। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है वी क्यू, ठीक है, पर जो वर्क डन है वही एनर्जी भी होती है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू वी क्यू। तो बस ये लिखा यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। तो ए की बारी हो तो वी ऑफ ए इंटू डेल्टा क्यू, बी की बारी हो तो वी ऑफ बी इंटू डेल्टा क्यू, ओके। अब नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा ऐसे यहाँ पे चेंज देखना है। चेंज को हम डिनोटेड करते हैं डेल्टा से, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन। अब यू वन की वैल्यू ये रही, यू टू की वैल्यू ये रही, दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, डेल्टा क्यू। चलो यू टू में क्या है वी ऑफ बी माइनस, तो माइनस यू वन में है वी ऑफ ए, तो डेल्टा क्यू कॉमन वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए। तो वी ऑफ ए माइनस बी
ए माइनस बी क्या था, वी, लेकिन यहाँ पे तो बी माइनस ए है, कोई बात नहीं, इन लोगों ने ऑर्डर चेंज कर दिया तो हम माइनस लगा देंगे, तो वी तो होगा, बी माइनस ए, वी तो होगा, लेकिन कैसा होगा, माइनस वी, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गई है, यहाँ पे ए माइनस बी था, यहाँ पे बी माइनस ए है, ओके, डेल्टा क्यू एज इट इज़ वी बी माइनस वी हो जाएगा माइनस वी. सो वी कैन राइट डेल्टा यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी इंटू वी. देखो ये माइनस साइन ये रहा और ये वी एज इट इज़ ये रहा, अब सिर्फ देखना है कि डेल्टा क्यू की जगह पे आई इंटू डेल्टा टी कहाँ से आया. तो अभी हमने देखा था, सेकंड हमने देखा था आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, समझाया कि नहीं, आगे स्टार्टिंग में करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, हाँ बस, तो उसमें क्यू को मेन बनाओ तो ये टी इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा आई टी, बस तो वही लिखा है आई इंटू डेल्टा टी इंटू वी, और ये माइनस वाला साइन आगे, तो आपको एनर्जी मिल रही है माइनस आई डेल्टा टी इंटू वी, ओके. चलो अब यहाँ पे फ्रॉम लो ऑफ चार्ज डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस एज इट इज डेल्टा यू की वैल्यू कुछ इतनी है, ठीक है. अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो डेल्टा के इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी इंटू वी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये माइनस नहीं है, तो माइनस ना हो तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन जीरो, ठीक है. तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो डेल्टा के इज इक्वल टू वी आई, वी आई डेल्टा टी, ओके. चलो तो हमें एनर्जी फाइंड करनी थी, एनर्जी हमने समझ ली, पहले हम डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, देन हम फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, और लास्ट में हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर. अब है वो देखना है पावर, जो कि आपको कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि पावर क्या है और उसके फॉर्मूले डिराइव करूँ. चलो तो एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द पावर, ठीक है, एनर्जी डेसिपेटेड पर यूनिट टाइम, डेसिपेटेड यानी यूज होना, तो पर यूनिट टाइम जितनी एनर्जी यूज होती है उससे हम कहते हैं पावर. तो देखो अभी ये वाला ये जो है ना ये अभी हम ढक देते हैं, ठीक है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा के इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी इंटू वी है, जो कि हमने यहाँ से लिखा है, ठीक है. तो इतनी एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि ये एनर्जी और ये पर यूनिट टाइम है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो इसके नीचे भी मैं डेल्टा टी लगा दूँ, डेल्टा के अपॉन डेल्टा टी करना है कि नहीं, तो यहाँ पे डेल्टा टी कर दूँ, डेल्टा टी कैंसिल, तो मुझे मिलेगा वी आई. पर यहाँ पे देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता क्या है, पावर, तो मैं लिख सकती हूँ पी इज इक्वल टू वी आई, ये जो है ना, तो पी इज इक्वल टू वी आई. अब ये जो मैंने कवर किया था वो एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क डन, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डब्ल्यू, और क्या एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है पावर, उसी तरह से वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है पावर. तो ये दो स्टेप आपको, ये दो आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो तो इट्स ओके, ठीक है. तो डेल्टा के इज इक्वल टू हमारे पास में इतनी वैल्यू है, डेल्टा के में डिवाइड में मुझे करना है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कट हो जाएगा, तो आपको बचेगा आई वी, तो के अपॉन टी होता है पावर, सो पी इज इक्वल टू वी आई, इक्वेशन नंबर 3. तो ये आपको याद रखना है, पहला P इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, ये रहा डेल्टा की अपॉन डेल्टा टी, ठीक है. फिर दूसरा हमें मिला P इज इक्वल टू वी आई. अब आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम ओम्स लो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लो में क्या है, V इज इक्वल टू आई आर. अब ये जो V की वैल्यू है ना वो मैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे रखूँगी, तो मुझे क्या मिलेगा, P एज इट इज, आई एज इट इज़ वी की जगह पे मैंने लगा दिया आई आर, ये जो वी है ना उसकी जगह पे लगाया आई आर, आई इंटू आई आई स्क्वेयर, तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर, तो ये हमारा वो इक्वेशन नंबर 4. चलो तो पहला कौन सा था, पी इज इक्वल टू के अपॉन टी, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम, दूसरा पी इज इक्वल टू वी आई, एंड थर्ड पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर. अब अगेन वी यूज ओम्स लो इन इक्वेशन नंबर 4. देखो ये P एज इट इज़ लिख दिया, R भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया, I की जगह पे हम लिख सकते हैं V बाय R, ओम्स लॉ के ऊपर से I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R, तो मैं यहाँ पे I की जगह पे लिखूंगी V बाय R का होल स्क्वायर. अब ये स्क्वायर V को भी मिलेगा और R को भी मिलेगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू R अपॉन R स्क्वायर. V को भी स्क्वायर मिला, R को भी स्क्वायर मिला, R R एक कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, P इज इक्वल टू ऊपर बचेगा V स्क्वायर और नीचे बचेगा एक R, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, इक्वेशन नंबर 5. थस इक्वेशन 3, 4 एंड 5 ऑल आर द इक्वेशन ऑफ द पावर, 3, 4 एंड 5 ऑल आर द इक्वेशन ऑफ द पावर, एंड इट्स एस आई यूनिट इज अ जूल पर सेकेंड. कैसे, तो एनर्जी है उसका क्या होता है जूल, टाइम का क्या होता है सेकेंड, और वॉट, क्या कहना है वॉट,
वोल्ट अलग चीज है और वॉट अलग चीज है, ठीक है। वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वॉट होता है पावर का। तो पावर के हमने चार फॉर्मूले देखे, कौन से पी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर एंड पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो आपको ख्याल आना चाहिए ये तीनों तीन कहाँ से आए, कैसे आए। ओके चलो, थैंक यू।